मथुरा जंक्शन से पकड़ा गया संदिग्ध। कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है संदिग्ध। सुरक्षा एजेंसियों ने की पूछताछ। अक्षरधाम मंदिर पर हमले की थी आशंका। भारत की अखंडता और एकता को तोड़ने की कई आतंकी संगठन कोशिश करते रहते हैं और देश के सबसे बड़े पर्व गणतंत्र दिवस के आसपास तो ये गतिविधियां और बढ़ जाती हैं। ऐसे संगठन देश के जान माल को नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर आतंकी मंसूबों को हमारी पुलिस और आर्मी तोड़ देती है। एक बार फिर ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है देश की सुरक्षा एजेंसियों ने। मामला कुछ यूं है कि भोपाल जा रही शताब्दी ट्रेन में टीटी एक शख्स को बिना टिकट पकड़ता है। उस शख्स से पूछताछ के दौरान टीटी को थोड़ा सा शक होता है और बिना देरी किए वो पुलिस को बुला लेता है, जिसके बाद उस शख्स को मथुरा जंक्शन पर उतार लिया जाता है। जब रेल पुलिस उससे बात करती है तो शक और गहरा हो जाता है। पुलिस को दाल में कुछ काला दिख रहा था और ये केस इतना सीधा नहीं था जितना उन्हें पहले लगा था, जिसके बाद उन्होंने तुरंत आईबी, आर्मी इंटेलिजेंस सहित अन्य खुफिया एजेंसियों को इत्तला की। इसके बाद पूछताछ को और कड़ा किया गया, जिसके बाद पता चला कि पकड़े गए युवक का नाम बिलाल अहमद वानी है और वो जम्मू कश्मीर के दिलगांव का रहने वाला है। जब उसे पकड़ा गया तो वो पहले उस शख्स ने भागने की कोशिश की। बिलाल अहमद ने बताया कि उसके दोनों साथी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में रुके हैं। जब सुरक्षा एजेंसियों ने बताई जगह पर छापा मारा तो पता चला कि दो शख्स दो दिन पहले ही वहां से भाग खड़े हुए हैं। इन आतंकियों का मंसूबा था 26 जनवरी को दिल्ली के अक्षरधाम पर आतंकी हमला कर देश को दहला कर रख देना। इस शख्स की गिरफ्तारी से एक बात तो साफ हो जाती है कि आतंकियों के मंसूबे अभी कमजोर नहीं हुए हैं और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने की जरूरत है। हम सबको भी अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए और कुछ संदिग्ध देखें तो फौरन पुलिस को इत्तला की जाए। मथुरा से मदन सारवस्तक की रिपोर्ट।